मोदी 2.0 सेना की नई लिस्ट जारी, किस किस को कितने हिस्सेदारी। नमस्कार, NA24x7 न्यूज में मैं सूरज सिंह आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर, शाम 6 बजे मोदी कैबिनेट के नए मंत्री लेने वाले हैं शपथ। आइए जानते हैं कि नए मंत्रिमंडल में शपथ लेने से पहले किन किन मंत्रियों की कार्य अवधि कर दी गई है समाप्त। अभी तक खबरों के अनुसार पुराने 5 मंत्रियों को उनके पद से हटा दिया गया है, जिनमें शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ, लेबर मंत्री संतोष गंगवार के साथ, महिला बाल विकास मंत्री देवाश्री चौधरी का नाम शामिल है। यह वह 3 मंत्री हैं जिन्होंने अपना इस्तीफा सरकार को सौंप दिया है। सूत्रों के अनुसार मिली खबरों के माध्यम से आपको बता दें कि आज कुल 43 मंत्री, जी हां, कुल 43 मंत्री नई कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे, जिनमें प्रमुख चेहरे हम आपको बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ अनुप्रिया पटेल, और विवादों में रहे नेता, जी हां, LJP के पशुपति पारस का नाम भी शामिल है। मोदी के 2.0 नई कैबिनेट विस्तार में सहयोगी दलों के नेताओं को काफी तबज्जुक दिया गया है। NDA के सहयोगी दलों को, जिसमें कि JDU के भी कई मंत्री बनाए गए हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर से भी 3 से 4 मंत्री बनाने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि पूरा कार्यक्रम पूरे कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों के तहत होगा। राष्ट्रपति भवन में जो कार्यक्रम आयोजित होगा, इसके अंदर जितने भी मंत्री शपथ लेंगे उनके साथ उनके परिवार का एक एक व्यक्ति ही आने की अनुमति दी गई है। शाम 6 बजे के कार्यक्रम के संपूर्ण होते ही मोदी मंत्रिमंडल को उसके नए सदस्य मिल जाएंगे। इसी के साथ मोदी कैबिनेट का विस्तार भी हो जाएगा। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल NA24x7 न्यूज।